दोस्तों नमस्कार। जिवें तुसीं जानते हो कि अज फर्स्ट अप्रैल सी मूर्ख दिवस, तो कई लोगों ने कईयां नूं मूर्ख बनाया होना है। तो असीं वो लोग हाँ जलंधर वैस्ट तो जिहड़े पिछले एक साल तो मूर्ख बनते आ रहे हैं। मैं तुहानूं सब नूं याद कराउणा चाहांगा कि वह डेट सी 21 मार्च 2020, जिस दिन असीं पहली वारी मूर्ख बने सी, जदों पीएम मोदी जी ने कहा सी कि एक दिन का कर्फ्यू ला के लोगों घर च बन के असी करोना को नत्थ पा सकते हैं। असी उस दिन पहली बारी दोस्तों मूर्ख बने सी, और उन्होंने इस तो बाद मूर्खता की झड़ी लाई, कभी थाली वजवाई, कभी टॉर्च जलाई, पता नहीं किदां किदां उन्होंने सानू मूर्ख बनाने की कोशिश की। और ये फस्ट अप्रैल हमेशा साढ़े नाल मनाउंदे रहे। और दोस्तों उस तो बाद वारी आई साड़ी पंजाब सरकार की, तो दोस्तों उस तो बाद वारी आई साड़ी पंजाब सरकार की। बड़ी आस सी सानू कि साड़ी पंजाब सरकार जिहड़ी है ये साड़ी सुनवाई करेगी, और वो सुनवाई इदां दी होई कि साडे जिहड़े प्रवासी भरा सी जिहड़े अपना घर छड्ड के ते साडे पंजाब दे विच आ के कारोबार करदे सी, उस तो बाद साड़ी पंजाब सरकार ने मूर्ख बनाया उन्हां नूं, जिन्हां नूं कि यह कहा गया सी कि हर कंपनी हर फैक्ट्री जिहड़ी है हर मजदूर नूं पूरी तनखाह देवेगी, और कोई भी बंदा अपने इंपलॉई नूं काम तो नहीं कढेगा। वह लोगों नूं पैदल घर नूं जाना पिया, उन्हां नूं इन्ना मूर्ख बनाया गया कि उन्हां नूं कोई ऐसा साधन भी नहीं दिता गया कि वह अपने घर नूं वापस परत सकन। कई बेरोजगार बेचारे प्रवासी वीर पैदल साइकलां ते रेहड़ियां ते घर नूं पहुंचे। और दूसरी मूर्खता ऐसी सी कि साडे जलंधर शहर के MP साहब ऑन रिकॉर्ड TV के इंटरव्यू के कह रहे हैं कि उन्होंने 25 करोड़ प्रवासियों नूं पंजाब तो अपने घर नूं भेजा है, जबकि पंजाब की सारी आबादी ही सिर्फ 4 करोड़ के लगभग है। तो देखो किस हद तक जिहड़ी है वह मूर्खता हुई है। असी अज नहीं मूर्ख बने, असी उदों मूर्ख बने सी जदों पंजाब सरकार ने कहा कि तुहाडे बच्चों दीआं स्कूलां दीआं फीसां नहीं देनियां पैणगियां, पर सानू सारियां देने पैणियां। तुहानू बिजली दे बिल नहीं देने पैणगे, पर हर किसी वीर दा हर किसी वर्ग दा जो बिजली दा बिल है वह आया भी है और देना भी पिया है। दोस्तों मूर्खता की हद उदों होई जदों पंजाब सरकार वालों भारत सरकार वालों दिता गया राशन ये नुमाइंदियां ने अपने चमचियां नूं दे के अपने घरां दे विच चोरी वंड के अपने खासम खास लोगों नूं वंडिया, और हर गरीब विचारा जो लोड़ींदा सी जो लोड़वंद सी उन्हां नूं खाने तो भी वांझे रखा गया, लोगों नूं लाइनां च ला ला के ये राशन वंडिया गया। और इस तो बाद दोस्तों मूर्खता की वारी आई जदों करोना के टैस्ट होने शुरू हुए सिविल होस्पिटल दे विच। साडे पंजाब दे हैल्थ सिस्टम दे तुसीं हालात देखो कि एक इंसान जिहड़ा बेरोजगार सी वह 2200 रुपया दे के सिविल होस्पिटल दे विच टैस्ट करा रहा सी, जबकि लोगों का कारोबार खोया जा चुका सी। साडी सरकार इन्नी सियाणी सी कि उहने सानू इन्ना मूर्ख बनाया कि एक आम इंसान का एक टैस्ट भी 2200 रुपये च कीता। होर सुनो दोस्तों यह मूर्खता अज 1 अप्रैल को नहीं हुई, मूर्खता उदों ही हुई सी जदों मेरी और मेरे वर्गे लखां लोगों की जिहड़ी रोजी रोटी है खोई गई। मेरे कारोबार नाल जुड़े इवेंट इंडस्ट्री नाल जुड़े हुए सारे लोग पिछली 21 मार्च तो बेरोजगार बैठे ने, और जिन्हां नूं किते 1 रुपये की भी हैल्प नहीं की गई उन्होंने कारोबार वाले किसी ने कोई गौर नहीं किया। दोस्तों ये तुसीं देखो असीं 1 साल तो मूर्ख ही बनते आ रहे हैं, अज पहली बार नहीं है। उस तो बाद सानू फिर मूर्ख बनाने लई एक अवतार आया नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने कि एक ऐसी रकम का नाम लिया जिदे पिछे हर कोई बेचारा इंसान जीरो ही नहीं गिन पाया। उन्होंने एक पैकेज जो है जारी किया 20 लाख करोड़ रुपए का, जिहड़ा कि हवा ही हो गया, जमीन तक तो पहुंचे ही नहीं, किसी इंसान तक तो पहुंचे ही नहीं। इन्होंने ऐसा मजाक उड़ाया ऐसा मूर्ख बनाया लोगों नूं कि 500-500 रुपया अकाउंट दे विच पा के उन्हां दीआं लोड़ां दा उन्हां दी गरीबी दा मजाक उड़ाया। जबकि तुसीं भी जानते हो कि एक इंसान 2200 रुपए का करोना टैस्ट करा रहा है, तुसीं उसनूं मूर्ख बना रहे हो उहदे अकाउंट विच 500 रुपया पा के। तो दोस्तों यह पहला दिन नहीं सी कि अज 1 अप्रैल नूं मूर्ख दिवस सी, बहुत देर ही असीं काफ़ी देर दे मूर्ख ही बनते आ रहे हैं।
फिर उस तो बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी तो बाद वारी आई साढ़े कैप्टन साहब की। इन्होंने हूँ 2021 की 24 मार्च में एक ऐलान किया, सॉरी 24 फरवरी में, गुस्ताखी माफ, 24 फरवरी में कैप्टन साहब ने एक ऐलान किया कि पहली मार्च तो दोबारा तो नाइट कर्फ्यू रहेगा और पहली मार्च तो करोना जो है रातां नूं सड़कां विच घूमना शुरू करेगा। उहदा कारण यह सी क्योंकि 24 तो पहली मार्च के विच कैप्टन साहब के अपने घर के विच शादी सी, इस करके उन्होंने करोना नूं किते साइड ते रोकिया होया सी और पंजाब विच आने तो मना किया सी। और दोस्तों सब तो वड्डी मूर्खता जिहड़ी आई साडे लई, सानूं मूर्ख बनाया गया दोबारा तो 21 मार्च 2021 नूं जदों दोबारा तो नाइट कर्फ्यू लाया गया जो कि अज तक चल रहा। जे तुसी चाहते हैं, जे तुसी सोचते हैं कि असी अज मूर्ख दिवस मना रहे हैं तो मैं लगता है कि यह ठीक नहीं है क्योंकि असी पिछले एक साल तो मूर्ख ही बनते आ रहे हैं। ये अपने अपने तरीके हैं मूर्ख दिवस मनाने के, असी अपने दोस्तों नाल मनाते रहे हैं, अपने रिश्तेदार नाल मनाते रहे हैं, पर कभी सुनिया नहीं सी कि सरकारां भी आम जनता नाल मूर्ख दिवस मनाउणगियां। और यह मूर्ख दिवस इन्ना चलेगा, इन्ना लंबा चलेगा कि एक साल तक ये मूर्ख दिवस नहीं मुक रहा। तो दोस्तों मेरी सोच यही सी, साडी सोच यही सी, असी आम आदमी पार्टी जलंधर वैस्ट तो सारे दोस्त अज इकट्ठे होए सी ते एक तरीका असी ढूंढिया सी कि अपने सब मित्रां दे नाल उन्हां नूं इह चीज़ां याद करा सकीए कि साडी सरकार की कर रही है, साडे नाल सानू किस तरह ट्रीट कर रही है। जो तुसी अज फील कर रहे हो कि अज 1 अप्रैल है ते अज असी एक दूसरे नूं मूर्ख बनाईए, तो दोस्तों ना करो ऐसा क्योंकि असी ऑलरेडी कई बार मूर्ख बन चुके हैं। पर एक चीज याद रखना कि इन्हें मूर्ख बनने तो बाद हुण समा आ गया है कि हुण समझदारी नाल काम लवो और 2022 के जिहड़े इलैक्शन आ रहे हैं इस दे विच दोस्तों सोच समझ के विचार के पढ़िया लिखिया और ईमानदार कैंडीडेट चुनना, पढ़ी लिखी ईमानदार और किसी आइडियोलॉजी ते चलण वाली पार्टी नूं ही वोट दियो। मैं नहीं कहिंदा कि साडी पार्टी नूं टिकट दियो वोट दियो, पर सोच विचार करियो जिहड़ियां पार्टियां पिछे सरकार चला रहियां सी उन्हां ने की कीता और साडी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने दिल्ली दे विच किस तरह करोना नाल फाइट कीती है, किस तरह उत्थे फ्री टेस्ट कीते हन, मोहल्ला क्लीनिक चलाए हन और अज जदों वैक्सीन भी साडी पंजाब सरकार और इंडिया दी सरकार 250 रुपए दे विच पर हैड दे रही है, दिल्ली दे विच अज भी वो वैक्सीन दोस्तों फ्री च लग रही है। तो मैं चाहुंदा कि असी तां मूर्ख बने हैं दोस्तों, 2022 दे विच हर कोई मूर्ख ना बने, इस करके कि मैसेज सी तुहाडे लई वह प्राप्तियां याद कराने लई जिहड़ियां साडी पंजाब सरकार ने और भारत दी सरकार ने कीतियां। दोस्तों सुनने लई धन्नवाद।